हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रेसिपी है सूजी का हल्का फुल्का सुबह शाम का नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी सूजी लेंगे, यहाँ पे मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं। ग्राइंडर जार में सूजी को डाल देंगे, साथ में एक कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे। 3 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। खट्टी दही बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, वरना टेस्ट खराब आ जाएगा। 1 चम्मच भर के चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल ब्रेड जैसा टेस्ट आएगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। और बस इसे ढक्कन लगा के हम पीस लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल बारीक सा पीस के मैंने तैयार कर लिया है, कुछ इस तरह का ये देखिए। तो चलिए इसे एक अलग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सारा बैटर इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक को मिक्स कर देंगे। अब मैं एक थाली ले रही हूँ, छोटा साइज का थाली है। इसको तेल से हम ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। ग्रीस करके इसे अच्छे से साइड में रख देंगे अभी। और बैटर को ले लेंगे। बैटर में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। आप चाहे तो यहाँ पे बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक डाल दीजिएगा। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें झाग आ गया है, बबल्स आ गए हैं। तो चलिए अब इसे हम तैयार किए हुए थाली में डाल देते हैं। तो तैयार किए हुए थाली में इसे हम पूरा ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं इसे थोड़ा सा टैप कर रही हूँ। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा टैप। और इसे हम स्टीम करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे गैस पे रखी हूँ एक पैन, और उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। और एक देखिए इस तरह का रिंग में रख रही हूँ। आप चाहे तो कोई कटोरी भी रख सकते हैं उल्टा करके। तो चलिए इसे हम रख देंगे और अभी हम इसे स्टीम होने देंगे। फ्लेम को मैं मीडियम कर देती हूँ और ये बैटर वाला थाली इसके ऊपर हम रख देंगे। थाली रखने के बाद उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर छिड़क रही हूँ, जिससे इसका लुक भी अच्छा आए और ये टेस्ट में थोड़ा सा तीखापन लगे। आप चाहे तो इसके जगह पे काली मिर्च का पाउडर भी छिड़क सकते हैं। चलिए इसे ढक देंगे और ढक के हम 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो करीब मेरा 8 से 10 मिनट हो चुका है। तो देखते हैं इसे चेक करके। तो देखिए, मैं एक नाइफ इस तरह से अंदर डाल के देख रही हूँ, बिल्कुल क्लीन निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा नाश्ता है अच्छे से स्टीम हो चुका है। निकाल लेंगे सावधानी से बाहर और इसे ठंडा करेंगे हम। तो देखिए इसका कितना सुंदर सा लुक आया है देखने में। ठंडा हो चुका है और अब मैं थोड़ा सा किनारों को स्क्रैच कर लेती हूँ एक नाइफ से। देखिए इस तरह से हल्का हल्का स्क्रैच कर लीजिएगा और एक दूसरे प्लेट में इस तरह से पलट दीजिएगा और थोड़ा सा टैप करने से ही निकल आएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया स्टीम हुआ है और एकदम स्पॉन्जी बना है, बिल्कुल जालीदार बना है। और यही होता है कि आप खाने का सोडा या फिर इनो फ्रूट सॉल्ट डालने से एकदम स्पॉन्जी और जालीदार बन जाता है हमारा नाश्ता, जो खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी। इसे मनचाहे आकार में कट कर लेंगे। तो मैं देखिए कुछ इस तरह से कट कर रही हूँ, जैसे पिज्जा वगैरह कट करते हैं वैसे। आप कोई भी नाइफ या पिज्जा कटर से कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा इसमें जालियाँ बनी है और कितना सुंदर है। बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता है, टेस्टी भी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाने वाली हूँ। एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, इसे गरम करेंगे। नाश्ते के टुकड़े को इस तरह से हम डाल देंगे और हल्का हल्का सा सेक लेंगे मीडियम फ्लेम में। देखिए एक तरफ से सिक चुका है, इस तरह से स्पैचुला लगाते हुए सेक लेंगे। जब एक तरफ से अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तो पलट देंगे। तो क्रिस्पी होने से बहुत टेस्टी लगता है खाने में, एक बार ट्राई करके देखिएगा। जो हमने चीनी डाली है वो एकदम ब्रेड का टेस्ट आएगा, इसमें लगेगा कि हम ब्रेड खा रहे हैं वैसा। और देखिए चलिए फाइनली हमारा ये नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसका क्रंच सुना रही हूँ। चलिए इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जितना ये देखने में सुंदर है उतना ही खाने में स्वादिष्ट है। मेरे घर में तो ये कम ही पड़ गए, इतना ज़्यादा ये टेस्टी था। तो चलिए आप भी एक बार बना के ट्राई करिएगा। तो मैं आपको देखिए पास से दिखा रही हूँ। इसमें तेल भी कम लगता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए तोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और हल्का फुल्का नाश्ता है। जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।